हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक जोन। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे सम की इज़ नॉट वर्किंग लैपटॉप एंड पीसी। तो अगर आप लोगों के साथ भी सेम इश्यूज आ रहे हैं कि आपके कीबोर्ड में कुछ कीज़ काम नहीं कर रही, वर्क नहीं कर रही है, जिसकी वजह से आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, पासवर्ड वगैरह कुछ भी डायल नहीं कर पा रहे हो, तो 4 से 5 सोल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इस वीडियो में, और इनशाला इससे आप लोगों के कीबोर्ड की प्रॉब्लम फिक्स हो जानी है। अगर फिक्स हो जाती है तो आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, और अगर नहीं होती तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। सबसे पहले आप अगर लॉगिन स्क्रीन पे स्टक हैं तो इसकी सॉल्यूशन देते हैं। सबसे पहले राइट हैंड कॉलम पे आपके पास ये ऑप्शन नज़र आएगा एक्सेसिबिलिटी का, चाहे विंडो 10 हो, 11 हो, या जो भी हो, ये आपको यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, आपने इसको कर देना है ऑन। तो आप लोगों के पास आ जाएगा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। आप लोगों का जो भी पासवर्ड वगैरह है आप यहां से डायल कर सकते हैं। आपकी ये सॉल्यूशन होगी सॉल्व, और फिर यहां पे एरो आइकन पे क्लिक करें। ये देखें, आपका जो लैपटॉप था वो पासवर्ड से लॉगिन हो चुका है। और अब लॉगिन होने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपने स्टार बटन में आ करके आप लोगों ने जाना है यहाँ पर डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर को आप लोगों ने कर देना है क्लिक, यहाँ पर ऑन करके यहाँ पर कीबोर्ड पर आ जाना है। कीबोर्ड के ऊपर आप लोगों ने डबल क्लिक करना है और जो भी आपका यहाँ पे शो होगा, सबसे पहले आप लोगों ने उस पर राइट क्लिक करना है, चूज़ करना है अपडेट, चूज़ करना है यहाँ पे सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर, और जो भी यहाँ पे आप लोगों का अपडेट अवेलेबल होता है वो आप लोगों को यहाँ पे शो करवाता है। और अगर अपडेट होता है तो आप लोग दोबारा चेक करें कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुई है या नहीं हुई है, आपकी कीज़ जो है वो काम कर रही है या नहीं कर रही, और अगर अभी भी नहीं कर रही तो इसको क्लोज करके आप लोगों ने इसके ऊपर दोबारा से क्लिक कर देना और इसको अनइंस्टॉल ड्राइवर कर देना है। अनइंस्टॉल करके आप लोगों ने इसके बाद क्या करना है, अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद आपका जो ड्राइवर दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो फिक्स हो जाएगी। और अभी भी इनकेस नहीं आता है तो सेकेंड सोल्यूशन ये है कि आप लोगों ने दोबारा से अपने विंडो में आ जाना है और यहाँ पे सर्च करो सेटिंग, सेटिंग में आ करके यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा एक्सेसिबिलिटी, यहाँ पे ये ऑप्शन मिलेगा, आप लोगों ने इसके ऊपर कर देना है क्लिक। होल्ड आउट करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा कीबोर्ड, कीबोर्ड के ऊपर क्लिक किया मैंने और यहाँ पे एक फिल्टर कीज का ऑप्शन मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका फिल्टर कीज जो ऑलरेडी ऑन है, तो इसे करना क्या है, इसे आप लोगों ने डिसेबल कर देना है। ठीक है, अगर ये ऑन है तो इसे डिसेबल करना है। सो, अगर ये ऑफ है तो आप लोगों ने ट्राई करना है इसको ऑन करके। ठीक है, इतना करने के बाद आप लोगों ने चेक करना है कि आपकी प्रॉब्लम वो सॉल्व हुई है या नहीं। अगर अभी भी नहीं होती है तो आप लोगों ने क्या करना है, ऑन स्क्रीन में आना है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में आ करके इसको आपने ऑन कर देना है। वर्चुअल कीबोर्ड की हेल्प से हमें यहाँ पर टाइप करना है टास्क स्पेस और एस की प्रेस करनी है। यहाँ पे आप लोगों को सजेशन में मिलेगा टास्क शेड्यूलर, इस पर आपको क्लिक करना है, इसे आप मिनिमाइज कर दो, टास्क शेड्यूल लाइब्रेरी पे डबल क्लिक करो और माइक्रोसॉफ्ट देन विंडो, और यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है, फिर आप लोगों को यहाँ पे ढूंढना है टेक्स्ट सर्विस फ्रेमवर्क करके। यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रोल कर लो और ढूंढनी है आप लोगों ने सर्विस टैक्स सर्विस फ्रेमवर्क्स। मिलने पे आप उसके ऊपर राइट क्लिक करो और राइट साइड में आपके पास ये खुल जाएगा, आप लोगों ने ढूंढना है इनेबल का ऑप्शन। अगर वो यहाँ पे डिसेबल है तो आप लोग इसे इनेबल करें सबसे पहले, और फिर आप लोगों ने करना है रन, और फिर चेक करें कि हमारी कीज़ जो है वो जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हुई है या नहीं हुई है। तो अगर अभी भी नहीं होती है तो आप लोगों ने दोबारा से अपना वर्चुअल जो है वो कीबोर्ड ओपन करना है, अपडेट और सजेशन में चूज़ करो चेक फॉर अपडेट। सो विंडो अपडेट्स का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो चेक फॉर अपडेट पे। अगर आप लोगों के पास अपडेट अवेलेबल है तो काइंडली अपने जो विंडो है उसको अपडेट कर लें, और अपडेट के बाद आप दोबारा से चेक करो, आपकी प्रॉब्लम जो है वो इंशाल्लाह ताला फिक्स हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं होती तो आप लोगों को करना होगा रीसाइकल, आपके लैपटॉप में जो भी डेटा वगैरह है आप उसे पहले सेव कर लें क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट डेटा होगा, और सेव करने के बाद आप लोगों ने प्रेस करना है पावर बटन और होल्ड करके रखना है पावर बटन को। सो पहले आपका लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी है वो शट डाउन होगा,
उसके बाद भी आप लोगों ने पावर बटन को होल्ड करके रखना होगा 10 से 12 सेकंड तक। उससे क्या होगा, आपका जो भी पावर वगैरह है वो सारा रिसाइकल होने हो जाएगा। के बाद अपने कनेक्टर को, अपने अडैप्टर को दोबारा प्लगिंग करो, और प्लगिंग करने के बाद आप देखें कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। और इतना करने के बाद मैं बहुत श्योर हूँ कि आप लोग की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा मेथड आपके काम आया, और अगर फिर भी आप लोग को इश्यूज आ रहे हैं तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम उस पर वीडियो बनाएंगे। जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।